इकाई 8 दो हाशटैग दोहे। ध्यान से दोहे सुनिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीरा फल लागे अति दूर। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुपाय। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाय। सार सार को गही रहे, होता दे उड़ाए। कबीरा थोथा दे उड़ाए। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहो लिपटाए। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहो लिपटाए। हाथ मले आर सीधी धुनी, लालच बुरी बलाई। कबीरा लालच बुरी बलाई। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लो। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लो। सबसे हिल मिल चालिए, नदी नाव संजोग। रे तुलसी नदी नाव संजोग। तुलसी हाय गरीब की, कब हुन खाली जाए। तुलसी हाय गरीब की, कब हुन खाली जाए। मुए ढोर के चाम से लोहा भस्म हो जाए। रे तुलसी लोहा भस्म हो जाए। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रही माँ जुड़े गांठ पड़ जाए। सरोवर फल नहीं खाते हैं, सरोवर पिए ही न पानी। सरोवर फल नहीं खाते हैं, सरोवर पिए ही न पानी। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजानी। रहीमा संपत्ति संचही सुजानी। रही मन देखी बड़ेन को, लघुन दीजिए डारी। रही मन देखी बड़ेन को, लघुन दीजिए डारी। जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। रही माँ कहाँ करे तलवारी। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं,
फल लागे अति दूर। समझूती, बड़ा होने से या बड़ा बन जाने से किसी का महत्व नहीं बढ़ता। खजूर का पेड़ बड़ा होता है, पर उसके नीचे खड़े रहने से मुसाफिर को छाया नहीं मिलती और फल भी बहुत ऊंचाई पर लगते हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देड़ उड़ाए। समझूती, साधु यानी अच्छा आदमी सूप जैसे स्वभाव वाला होना चाहिए। सूप यानी अनाज साफ करने का साधन। अच्छे को अपने अंदर रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। उसी तरह सज्जन आदमी को सार को ग्रहण करके कचरे को फेंक देना चाहिए। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाई। समझूती, इस दोहे में लालच कितनी बुरी बला है वह बताया गया है। माखी गुड़ खाने की लालच में गुड़ पर बैठ तो जाती है, पर वह गुड़ में चिपक जाती है। वह अपने पंखों से गुड़ से निकलना चाहती है, किंतु अंत में वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग। समझूती, इस संसार में भिन्न भिन्न प्रकृति के स्वभाव के लोग रहते हैं। हो सकता है इनका स्वभाव हमें अनुकूल न भी हो, फिर भी हमें सबके साथ हिल मिलकर रहना चाहिए, जिस तरह नदी और नाव का संयोग रहता है। तुलसी हाय गरीब की कबहू न खाली जाए, मुए ढोर के चाम से लौह भस्म हो जाए। समझूती, गरीब की हाय या उसकी बद्दुआ कभी विफल नहीं होती। मरे हुए ढोर के चमड़े से बनी धौंकनी से लोहा भस्म हो जाता है। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। समझूती, धागे के माध्यम से रहीम जी ने हमारे जीवन में संबंधों के बारे में कहा। वे कहते हैं कि प्रेम के धागे को खींचकर मत तोड़ना चाहिए। यह एक बार टूट जाने पर फिर जुड़ता नहीं है, और जुड़ता भी तो उसमें गांठ पड़ जाती है। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिय ही न पानी, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संच ही सुजानी। समझूती, पेड़ कभी अपने फल नहीं खाते, सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीते। इसी तरह सज्जन व्यक्ति दूसरों की भलाई करने के लिए ही संपत्ति का संग्रह करते हैं। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहां करे तलवारी। समझूती, हमें बड़े या छोटे सभी का सम्मान करना चाहिए। हमें बड़े लोगों को देखकर छोटे लोगों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जहां सुई काम आती है वहां तलवार काम नहीं आती।